नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार आज दोस्तों 50,000 पदों को लेकर स्टूडेंट ने ट्वीट किया। लगभग 1.5 लाख के आसपास ट्वीट किए गए और दोस्तों जयपुर में शहीद स्मारक पर भी धरना प्रदर्शन किया गया। इसी को देखते हुए दोस्तों, आपके जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं राजस्थान के डॉक्टर वीडी कल्ला, उन्होंने दोस्तों 50,000 पदों पर बहुत बड़ा बयान दिया है। दोस्तों L1 L2 दोनों का रिजल्ट आएगा या फिर L1 सिर्फ L2 का रिजल्ट आएगा। दोस्तों L1 का रिजल्ट भी द्वारा जारी किया जाएगा। इसको लेकर आप सबके लिए दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। और इसी के साथ दोस्तों, आपकी जो अंतिम विज्ञप्ति है वो कब जारी होगी, काफ़ी सारे मन में डाउट हैं स्टूडेंट के कि अंतिम विज्ञप्ति कब तक आएगी, क्योंकि बीकानेर विभाग दोस्तों अंतिम विज्ञप्ति जारी करेगा। दोस्तों रिजल्ट के आए हुए काफ़ी समय हो चुका है दोस्तों, 36 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया था दोस्तों। लेकिन अब विज्ञप्ति को लेकर स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन हो रहा है कि जो बीकानेर विभाग द्वारा आपकी विज्ञप्ति जारी की जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों, 3 दिसंबर को L1 की आंसर की भी आने वाली दोस्तों, बोनस अंक के साथ 108 नंबर वालों का भी चांसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आंसर की में दोस्तों नंबर हैं वो कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। पूरी अपडेट इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, आप वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज दोस्तों एक अपने फंक्शन में दोस्तों जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री वो पहुँचे थे, और वहाँ पर दोस्तों 50,000 पदों को लेकर स्टूडेंट ने उनको दोस्तों वहाँ पर घेर लिया और उनको बताया कि जल्दी से जल्दी 50,000 भर्ती की जाए। तो दोस्तों जो शिक्षा मंत्री ने उस समय दोस्तों बयान दिया कि 50,000 पदों को, यानी कि जो 31,000 पद हैं उनको बढ़ाकर 50,000 करने को लेकर वो सरकार से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे और 50,000 पदों को बढ़ोतरी को लेकर जितना हो सकेगा उतनी जल्दी ही आपके 50,000 करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा दोस्तों आपकी विज्ञप्ति, फाइनल विज्ञप्ति आएगी, पदों का वर्गीकरण भी दोस्तों उन्हीं के द्वारा जारी किया जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों आपका पदों का वर्गीकरण होगा L1 L2 का, तो लगभग आपके दोस्तों अगर 50,000 पोस्ट होती हैं तो 26,000 पोस्ट L1 की रहेंगी, और L1 की 26,000 पोस्ट रहेंगी तो आप कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं। रीट आंसर की कि मैं बदलाव हुआ है, बदलेगा मेरिट का गणित। जी हाँ दोस्तों, इसमें मेरिट में ही बदलाव होगा। अब आपका दोस्तों जो रिजल्ट है L2 का रिजल्ट इसी सप्ताह में दोस्तों किसी भी समय आ सकता है। लेकिन दोस्तों अब L1 की भी मांग उठने लगी कि L1 का भी रिजल्ट द्वारा आए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिन पर विवाद था दोस्तों, और उसको लेकर 3 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई भी है दोस्तों। कोर्ट क्या दोस्तों आदेश देता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, क्योंकि पूरे सबूत दिए गए हैं कोर्ट को, जो सवाल गलत होते हुए भी दोस्तों उनको ऑप्शनों को सही माना गया है, तो ऐसे में दोस्तों वहाँ पर बोनस अंक देना पड़ेगा बोर्ड को। इसको लेकर बोर्ड को नोटिस भी दिया गया था। तो रीट L2 का संशोधित रिजल्ट जारी होगा। 6 प्रश्नों का बोनस अंक है, 7 प्रश्नों के 2-2 उत्तर सही हैं। 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को इस पर दोस्तों असर पड़ने वाला है। 11 लाख टोटल छात्र हैं दोस्तों L1 L2 के दोस्तों, और जो मांग कर रहे हैं लगातार पदों में बढ़ोतरी को लेकर। आज पूरे दिन दोस्तों इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी दोस्तों काफ़ी जो है चर्चा में रहा 50,000 पदों को लेकर। बीडी कल्ला ने इसको देखते हुए बयान भी दिया कि जितनी जल्दी हो सकेगा मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा और 50,000 पदों में बढ़वाने को लेकर उनसे दोस्तों जल्दी ही कोई ना कोई अपडेट आपके निकल के आएगी। तो ये L1 में SC ST के तरफ 117 ही रहेगी दोस्तों, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। सामान्य वर्ग के लिए L2 में पात्रता प्रतिशत यह रहने वाली है 85% आपकी मैथ साइंस में, SC ST में 81%, अंग्रेजी में 78%, अंग्रेजी में सबसे कम रहने वाली है। ये जनरल की है दोस्तों, सामान्य वर्ग की कट ऑफ है। अगर आप OBC में हैं तो L2 के विषयवार प्रतिशत में 1.5% आप कम कर सकते हैं, EWS वाले, MBC वाले 3%, SC और ST वाले 5% इसमें से कम कर सकते हैं। तो BEd और BSTC दोस्तों, जब से आपका जो कोर्ट ने आदेश दिया है कि L1 में सिर्फ BSTC रहेगा, तब से दोस्तों जो BEd की कट ऑफ है वो हाई हो गई है दोस्तों। जो कट ऑफ आपकी 128 लास्ट जा रही थी वो अब 142 तक जाएगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 130 से 142 तक कट ऑफ जाएगी। वहीं दोस्तों L1 की जो कट ऑफ 132 तक जा रही थी वो हाईएस्ट 125 तक रहेगी, ये देख सकते हैं दोस्तों। तो कट ऑफ कम हो जाएगी। L2 को लेकर सुनवाई भी चल रही है दोस्तों, हालांकि अब ये अपडेट है कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इसको चुनौती दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं आपकी भर्ती भी अटक सकती है,
टोटल आपके अगर मैं बात करूं 16,000 पोस्ट पर बीएसटीसी वाले स्टूडेंट 3.4 लाख हैं और बीएड वाले दोस्तों 15,000 पोस्ट पर 60.73 लाख हैं। तो ऐसे कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि L2 की कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। दोस्तों आप मुझे अपने नंबर जरूर कमेंट करना और 50,000 पदों को लेकर जल्द ही दोस्तों बीडी गल्ला की तरफ से कोई ना कोई अपडेट आप सबके लिए निकल के आएगी दोस्तों, और आपका रिजल्ट भी इसी सप्ताह में आपको देखने को मिलेगा। L1 की भी मांग की जा रही है कि L1 का भी रिजल्ट आए दोस्तों, और 3 दिसंबर को फैसला हो जाएगा कि L1 का रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। तब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि आपको रीड से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।